मतलब आप हिमाकत देखिए उन लोगों की जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपने उप मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री अपराधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, 40 के आसपास एमएलओ के ऊपर केसेस बने हुए हैं और ये लोग कहते हैं कि आप पुलिस हमें दे दीजिए तो हम क्राइम ठीक कर देंगे। भैया क्राइम जो बस्तियों में आपके अपने लोग बैठे हैं उनसे क्राइम हटवाने का काम तो कीजिए, पहले आप उनको तो समझाइए कि किस तरीके से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में गतिविधियों में लिप्त हैं। तो वो लोग तो सीधे आपकी पार्टी के मेंबर्स बन रहे हैं और पंजाब आपके पास है तो पंजाब का क्राइम ठीक कर दीजिए तो समझ आ जाएगा कि आप किस लायक हैं।